हाँ तो आज हमारे पास है एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 2022 का एडिशन। सबसे पहले 2017 में सीरीज लॉन्च हुई थी और तब से लेकर आज तक इंडिया में मोस्ट सेलिंग हाई एंड लैपटॉप तो यही रहता है। इंडिया के बाहर भी देखोगे तो सबसे अच्छी इमेज इसी लैपटॉप की है। पर अभी ना सीन बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है क्योंकि बंदे रीजन आरओजी इनकी प्राइस कम होने का वेट करते हैं और जब कोई ऑप्शन नहीं होता तब हेलियोस को लेते हैं। ऐसे में हेलियोस फिर से कम्पीट कर पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। से देखने पर तो लैपटॉप एकदम नया दिखता है लेकिन अंदर का अरेंजमेंट बिल्कुल पहले जैसा ही है। वैसे अंदर कोई कमी नहीं थी तो उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी। अब अंदर की बात आई है तो यहाँ पर हमको मिलते हैं 2 PCIe Gen 4 SSD के स्लॉट, 2 DDR5 RAM के स्लॉट, किलर Wi-Fi 6E चिप है और फुल 90 वॉट आवर की बैटरी है। और अब की बार आप नोटिस करोगे कि कोई भी हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं है। अब इस पूरे बदलाव से इस लैपटॉप का वेट 200 ग्राम, थिकनेस 3 mm और फुटप्रिंट 7% ज्यादा हो गया है। तो कुल मिला के ये लैपटॉप कहीं भी ले जाने लायक नहीं है क्योंकि इसका चार्जर ही 1 किलो का है। लेकिन चिंता मत करो, आप इसको USB टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो। अगर मैं इस लैपटॉप के स्टाइल की बात करूं तो आज भी कोई भी देख के कह सकता है कि ये गेमिंग लैपटॉप है। बिल्ड वाइज लैपटॉप की लिड और कीबोर्ड डेक मेटल से बनी है, बाकी सब कुछ प्लास्टिक का है। लास्ट ईयर के हेलियोस में एजेस काफी शार्प थे और काफी बंदों ने इसको पॉइंट आउट भी किया था, तो फाइनली एसर ने हमको सुना और अब की बार एजेस को चैम्फर किया है। सरफेस फिनिशिंग के लिए यहाँ पर ब्लैक मैट पेंट का यूज हुआ है जिसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग है क्योंकि अब की बार पहले से ज्यादा लाइट डिफ्यूज होती है। ब्रांडिंग में कुछ खास अलग नहीं किया एसर ने, वहीं चिन पर एक छोटा प्रेडेटर लोगो और लिड पर एक बड़ा लोगो है। ओवरऑल डिजाइन, लुक एंड फील में आई वुड रेट दिस लैपटॉप 9 out of 10। हाँ तो आगे चलते हैं। इस लैपटॉप में 16:9 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन है और मानो या ना मानो मुझे ये एक कमी लगती है। आज नहीं तो कल एसर को 16:10 एस्पेक्ट रेशियो पे मूव करना ही है तो अब की बार क्यों नहीं किया। वैसे यहाँ पर आपको 165Hz QHD स्क्रीन मिलती है जो कि कलर एक्यूरेट है, कॉन्ट्रास्ट इसके काफी अच्छे हैं लेकिन ब्राइटनेस इसकी कम है। ये डिस्प्ले G-Sync को सपोर्ट करती है तो किसी भी रेजोल्यूशन में यहाँ पे टीयरिंग नहीं होगी। एक बात और, स्क्रीन की बेजल्स पहले से कम हुई है, इस वजह से विजुअल एक्सपीरियंस तो इम्प्रूव हुआ है। हाँ तो पोर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट राइट और रियर तीनों जगह पर है और इस टॉपिक में तो ये लैपटॉप बहुत ही रिच है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऑलराइट, तो मेरे पास जो यूनिट है उसमें CPU है इंटेल i7 और GPU है NVIDIA RTX 3060 140W। पहले बात करते हैं CPU की, तो यहाँ पर 6 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंसी कोर है। टोटल इसको आप 14 कोर और 23rd का CPU भी कह सकते हो। अभी लैपटॉप वैसे एकदम मिंट कंडीशन में है इसलिए इसके सिनेबेंच R20 और R23 के स्कोर बहुत ही हाई आए थे। वैसे मैंने इन बेंचमार्क की कंसिस्टेंसी को भी टेस्ट किया और रिजल्ट काफी हद तक इस लैपटॉप के फेवर में ही थे। एक बेंचमार्क और आता है Geekbench 5 और उसके स्कोर भी एकदम ऑसम आए। GPU की बात करते हैं तो 3DMark TimeSpy में इस लैपटॉप के स्कोर आए 8970 जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में अप्रोक्स 4% ही ज्यादा है। अभी हाल ही में मैंने Asus TUF को भी बेंचमार्क किया था, उसके रिजल्ट वैसे 9000 को टच किए लेकिन उसमें फिर टेम्परेचर भी ज्यादा रहते हैं। हाँ तो थर्मल में मैंने इस लैपटॉप को डबल बेक किया और यहाँ पर CPU स्टेबल हुआ 65W पर, GPU स्टेबल हुआ 115W पर। इनके रेस्पेक्टिव टेम्परेचर थे 84 फॉर द CPU एंड 75 फॉर द GPU। सेम टेस्टिंग में Acer Nitro 5 कंज्यूम करता है 159W और अगर टेम्परेचर वाइज देखें तो Asus TUF के टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। वैसे इस नए हीलियोस में लिक्विड मेटल एज ए थर्मल कंपाउंड यूज हुआ है और ये भी एक रीजन है कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी इतनी हाई है। वैसे ये नंबर वर्स्ट केस कंडीशन के हैं, एक्चुअल गेमिंग में तो टेम्परेचर और भी कम रहते हैं। ओके, तो गेमिंग में आई थिंक बंदे हाई FPS गेमिंग को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हाई क्वालिटी गेमिंग। ऐसे में फिर भी अगर आप 2K पर गेमिंग करते हो तो FPS 25% कम आएंगे। वैसे जो गेम DLSS को सपोर्ट करते हैं उनको आप 2K पर खेल सकते हो। एक बात और, ये लैपटॉप मक स्विच को सपोर्ट करता है लेकिन आपको वो BIOS से अपडेट करना होगा। हाँ तो इस लैपटॉप में 90 वॉट आवर की बड़ी बैटरी है लेकिन फिर भी इसका बैटरी बैकअप मुझे 4 से 5 घंटे ही मिला। सो आई गेस अब है कंक्लूजन टाइम। तो इस लैपटॉप की अनबीटेबल स्ट्रेंथ है इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप RTX 3060 और i7 को एकदम पीक पर यूज करना चाहते हो तो इससे बेटर कोई लैपटॉप नहीं है। एक बात और, स्क्रीन एकदम टॉप क्लास है इस लैपटॉप की लेकिन इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है। वैसे ये सच है कि फुल ब्राइटनेस पर हम लैपटॉप को यूज नहीं करते हैं इसलिए इस टॉपिक को आप चाहो तो ओवरलुक कर सकते हो। हाँ तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की क्योंकि सारा डिस्कशन यहीं पे आके डिसाइड होता है। तो इस लैपटॉप की प्राइस है 1.5 लाख जो कि आपको भी पता है कि क्रेजी हाई है। लेकिन एक मिनट, Acer का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा लैपटॉप की प्राइस कुछ महीनों में कम हो जाती है, जैसे कि Acer Nitro 5
2022 85K में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी 78K तक आ चुका है। अगर नाइट्रो 5 2021 की बात करें तो वो भी एक साल में 80,000 से 64K तक आ गया। हेलियोस का इतिहास भी ऐसा ही रहा है, लैपटॉप लॉन्च हुए थे क्रेजी हाई प्राइस पर और बाद में बहुत ही ऑप्टिमम प्राइस पे आ गए थे। वैसे मैंने लिनोवो लीजन और आरओजी की प्राइसिंग को भी ट्रैक किया था और समय का इनकी प्राइसिंग पर कुछ खास असर नहीं होता है। इसीलिए आने वाले कुछ महीनों में जब हेलियोस 300 इस कॉम्बिनेशन का सबसे अफोर्डेबल हाई एंड लैपटॉप बन जाएगा तब आप इसको ले सकते हो। लेकिन अभी अगर आपको कोई भी RTX 3060 का लैपटॉप लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे ऑप्शन है, आप उनमें से देख लेना। और अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में और डीप में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक है, उसको आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में।